रहमान रहीम, हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3, लेकिन उससे पहले हमें जो है एक्सरसाइज 1.3 में हम पांच टाइप की इक्वेशंस पढ़ेंगे जिनको हमने सॉल्व करना है। यही वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही होंगी, लीनियर नहीं भी होंगी तो हम उनको क्वाड्रेटिक के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहली टाइप ऑफ इक्वेशन जो है वो ये है कि आपके पास एक इक्वेशन इस टाइप की होगी कि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। मिसाल दे रहा हूँ, मतलब ये इस फॉर्म में हो सकती है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो है ये इसकी जनरल फॉर्म है। इस टाइप की इक्वेशंस का आप क्या करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर है, आप इसे कर लें लेट वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो जब इस पे वाई पे स्क्वायर लें, वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स की पावर 4 के। ठीक हो गया। अब ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स की 4 की जगह पे वाई स्क्वायर पुट करें, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 2, आगे क्वाड्रेटिक लगाएं, वाई इज़ इक्वल टू माइनस बी, और इसे उसी तरह सॉल्व कर दें। ठीक हो गया। ये हमारी जो है फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन है। अच्छा जी, टाइप 2 की बात करने लगे हैं। ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी कैसे होगा, ये इस टाइप की इक्वेशंस का क्या मुराद है। ए पे आप कुछ भी ले लें, ये जो ए की जगह हम 4 ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स में आपके पास कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप ले लें 2x² + 1, इस टाइप की अगर टर्म्स हैं, प्लस बी की जगह आप 1 ले लें या 3 ले लें, ओवर 2x² + 1, यानी ये जो टर्म्स हैं ये आपस में सेम होंगी, इक्वल टू सी। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस का क्या करना है, आप कहेंगे लेट वाई इक्वल टू 2x² + 1, क्या हो जाएगा, 4y + 3y = सी की जगह आप कुछ भी कर लें, सी की जगह आप 1 कर लें, इक्वल टू 1। तो एलसीएम लेंगे तो y आ जाएगा, ऊपर आएगा 4y + 3 = 1, इसको वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा आपके पास 4y + 3 = y। तो अब जब इसे अरेंज करेंगे 4y - y + 3 = 0, या 4y एलसीएम लेंगे या 4y² आएगा, तो ये भी 4y² हो जाएगा, ये भी 4y², ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है हमारी टाइप 2। इसकी एक और एग्जांपल भी है, वो इस तरह होगी कि आपको या तो दे देगा एग्जांपल के तौर पे, मैं इसे रेस कर देता हूँ, दूसरी जो है बिल्कुल इसी से मिलती जुलती, वो इस टाइप की दे देगा आपको कि एक्स ओवर एक्स माइनस ए माइनस 4 × x - a/x = 1। तो आप क्या करेंगे, लेट y = x - x/x - a कर लें, या x - a/x कर लें, आप पे डिपेंड करता है। x/x - a इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/y, तो ये ऊपर वो नीचे, तो क्या होगा y - 4 और यहाँ 1/y = 1, वही उसी तरह सॉल्व होगा, y - 4/y = 1। एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी टाइप 2 एक्सरसाइज में हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे। टाइप 3 करने लगे हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, रेसिप्रोकल इक्वेशन ये आपका बोर्ड में एमसीक्यूज भी आता है। रेसिप्रोकल इक्वेशन ये है जी आपके पास, ऐसी इक्वेशन रिमेन सेम, जो सेम रहे जब आप एक्स को रिप्लेस कर दें 1/x से, एक्स रिप्लेस्ड बाय 1/x, जब आप एक्स को रिप्लेस कर दें 1/x से तो वो इक्वेशन सेम रहे। ये इस तरह है कि ए एक्स की 4 माइनस बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स का स्क्वायर माइनस बी ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। इस टाइप की जो इक्वेशन है, अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हम चेक कर रहे हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन ना इस टाइम पे। अब हम यहाँ पे ना एक्स को रिप्लेस करते हैं 1/x से, हम देखते हैं कोई चेंजिंग आती है। पहले मैं रेसिप्रोकल इक्वेशन समझाना चाह रहा हूँ। a × 1/x की पावर 4 माइनस b × 1/x की पावर 3 प्लस c × 1/x की पावर 2 माइनस b × x की जगह 1/x प्लस a इक्वल टू 0। ये हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन हम चेक करें। ये हो जाएगा a यहाँ आ जाएगा 1/x की पावर 4 माइनस b × 1/x की पावर 3 प्लस c × 1/x की पावर 2 माइनस b × 1/x प्लस a इक्वल टू 0।
क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा a ओवर x की पावर 4 माइनस b ओवर x का क्यूब प्लस c ओवर x का स्क्वायर माइनस b ओवर x प्लस a इक्वल टू ज़ीरो। क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, LCM ले लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये नीचे आ जाएगा x की पावर 4, x की पावर 4, x की पावर, ये आ जाएगा a माइनस बी एक्स का क्यूब, एक्स फोर से डिवाइड होगा x, प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा सी एक्स का स्क्वायर, माइनस x से डिवाइड होगा तो x का क्यूब माइनस बी एक्स का क्यूब प्लस ए एक्स का की पावर 4 इक्वल टू ज़ीरो। ये जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी आपके पास, ये वहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ज़ीरो। अब ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी, इसको इस तरह लिखे ना अरेंज करके, तो ये हो जाएगा ए एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स का स्क्वायर माइनस बी ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। ये वही इक्वेशन बन गई सेम एज़ इट इज़। तो ऐसी इक्वेशन जो बिल्कुल सेम रहे, जब आप एक्स की जगह 1 ओवर एक्स पुट कर दें, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक, अच्छा जी, टाइप 4 है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होंगे, वेरिएबल्स जो होते हैं आपके पास वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे। एक्सपोनेंशियल क्या कहते हैं, पावर की फॉर्म में, किस फॉर्म में, पावर्स की फॉर्म में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जी या ए से ले के कुछ भी, ए से ले के जी तक कुछ भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो आपके पास मतलब जिसकी आपने वैल्यू निकालनी होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, प्रेजेंट इन एक्सपोनेंट या अकर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब वो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप देख लें 3 इंटू 2 ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 3 ऑफ 9 ऑफ 9 डॉट 9 माइनस एक्स इक्वल टू 5। एक मिसाल दी, अब आपको पता है कि जो आपका एक्सपोनेंशियल होता है ना, एक्सपोनेंशियल उसमें अगर पावर्स प्लस में हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 ऑफ 2x डॉट 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इनकी जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 3 इंटू 2 ऑफ x प्लस 2 हो गई, तो ये वही चीज़ बनती है। अब इस तरह, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को सोल्व ऐसे ही करना है, ये जब इस तरह लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, 3 ऑफ 9 डॉट 3 ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 5 या प्लस एक्स कर दें, इधर इधर भी प्लस एक्स कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 5। अब ये 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 डॉट 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर 9 क्या होती है, या आप यहाँ पे 9 की बजाय कर लें 2 ही कर लें, चलें हम इजी वे में जाना चाह रहे हैं, 3 की पावर 2 कर लें, 3 का स्क्वायर 9 डॉट 3 की पावर x इक्वल टू 5। अब आप क्या काम करें, आप लिखें लेट y इक्वल टू 3 की पावर x, y का स्क्वायर लेंगे क्या होगा, 3 की पावर x का स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 2x। तो हम यहाँ पुट करें 9 3 की पावर 2x की जगह y का स्क्वायर माइनस 9 3 की पावर x की जगह y इक्वल टू 5, माइनस 5 होगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इस तरह ये हमारी टाइप 4 जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये सॉल्व होगी। इसका MCQs भी आता है कि वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। रेसिप्रोकल बता दी, आगे हम कभी रेडिकल भी पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 में। ठीक, अच्छा अब हम जो टाइप 5 करने लगे हैं वो इस तरह है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इक्वल टू के, या कुछ भी कह सकते हैं। तो अब ऐसी इक्वेशंस में क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, तब हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल मतलब सी प्लस डी के इक्वल होगा तब सॉल्व होगा, कि हमने फिर इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना और इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना और इन दो को। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह से कि आप एक क्वेश्चन ले लें एक्स की पावर माइनस वन और एक्स की पावर प्लस टू कर दें, ये प्लस टू, और इसी तरह एक्स की पावर माइनस सेवन, एक्स की पावर प्लस सेवन और एक्स की पावर माइनस फाइव कर दें, तो ये आपके पास टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, और सेवन माइनस सिक्स अगर या माइनस सिक्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास इक्वल टू वन कर दें, ये आपके पास आपस में मतलब माइनस वन प्लस टू इक्वल टू सेवन माइनस सिक्स, ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा वन और ये भी क्या आ जाएगा वन। तो इस तरह इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इक्वेशंस असल में ना किस फॉर्म में आती हैं, वो इस फॉर्म में आती हैं कि आपको ये जो माइनस वन है ना, इधर लिखा होगा आपके पास प्लस सेवन और इस जगह पे आ जाएगा माइनस वन। इसी तरह अब इस तरह इक्वेशन है, अब आपने इनके पेयर बनाने हैं,
कौन से पेयर आपस में प्लस माइनस करें तो इक्वल आ रहे हैं, कौन से दो पेयर्स। अब वो दो पेयर्स कौन से हैं, आपको मैंने बताया माइनस वन और प्लस टू इक्वल टू सेवन माइनस सिक्स, तो ये क्या आ रहा है, वन इक्वल टू वन। तो ये दो पेयर सेम आ रहे हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे, इनको अरेंज कर लेंगे, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस सेवन, एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू वन। तो अब इन दोनों को सॉल्व करें, एक्स का स्क्वायर प्लस टू ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस टू, इसी तरह एक्स का स्क्वायर प्लस सेवन ऑफ एक्स माइनस सिक्स ऑफ एक्स माइनस सेवन सिक्स है 42 इक्वल टू वन। तो अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल टू वन। अब ये इनको हमने इक्वल इसलिए किया था कि ये जो दो टर्म्स हैं ये हमारे पास सेम आ जाएं। जब ये दो टर्म्स हमारे पास सेम आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा y माइनस टू और y 42 इक्वल टू वन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे y का स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस 42 वाई प्लस 84, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो उसको अरेंज करेंगे, वो वापस आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी फाइव टाइप ऑफ इक्वेशंस थी, ये हमारा इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले। थैंक यू।